दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच एक बार फिर लेटर वॉर शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने शुक्रवार सुबह अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा था, जिसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी खत के जरिए दिया है। इस लेटर वॉर की शुरुआत शुक्रवार सुबह अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट से हुई थी। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि आज सुबह एलजी साहब का पत्र मिला, उन्हें मेरा जवाब, सर हमें अपना काम करने दीजिए, आप दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कीजिए ताकि कंझावाला जैसा दूसरा केस फिर ना हो। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में एलजी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था तेजी से बिगड़ रही है, लेकिन दिल्ली के एलजी कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाय गंदी राजनीति में व्यस्त हैं। इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा था। अपने पत्र में उपराज्यपाल ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल द्वारा एलजी होता कौन है की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा था कि ऐसा बयान सही नहीं है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली विधानसभा से एलजी दफ्तर तक विधायकों और मंत्रियों के मार्च के बारे में भी एलजी ने कहा कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलने के लिए समय दिया, वो आते तो प्रेम से चाय नाश्ता भी करवाते। उपराज्यपाल ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री द्वारा मीडिया में बयान दिया गया कि उपराज्यपाल मिलना नहीं चाहते हैं, ये बात गलत है, जबकि इतने कम वक्त में 70 से 80 लोगों के लिए व्यवस्था कर पाना संभव नहीं था। उपराज्यपाल ने चिट्ठी में लिखा है कि वो उनके हेडमास्टर नहीं है, पिछले 7 से 8 साल से दिल्ली में ही रह रहे हैं, दिल्ली की उनको भी फिक्र है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने शिक्षा के मुद्दे पर भी घेरा है और दिल्ली सरकार के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के गिरते प्रतिशत का जिक्र भी किया है।